हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप लोगों को हमारे चैनल इन्फॉर्मेशन फॉर यू में। दोस्तों, रेलवे रिक्वायरमेंट बोर्ड के भोपाल यानी कि ऑफिशियल साइट पे आ गई है। आरआरबी भोपाल के ऑफिशियल साइट पे 8/5/2000 यानी कि आज के डेट में एक ऑफिशियली नोटिस आया है जेई से रिलेटेड। यहाँ पे देख सकते हैं 8/5/2019 को नोटिस ऑन सीबीटी एग्जामिनेशन शेड्यूल एंड स्कीम ऑफ वेरियस पोस्ट अंडर द ईयर नंबर 3/2018। तो चलिए इसे हम डाउनलोड करके रख लिए हैं, चलिए पूरी इन्फॉर्मेशन हम आपको बताएंगे। यहाँ पे देख सकते हैं पूरी यहाँ पे जेई से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन रिलीज हुआ है, कब इसके एग्जाम होगा और कब ट्रेवल पास और अपना एग्जाम सिटी देख सकेंगे। यहाँ पे रिक्वायरमेंट फॉर द पोस्ट ऑफ जूनियर इंजीनियर जेई, जूनियर इंजीनियर इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी जेई आईटी डिपोर्ट मटेरियल सुपरिटेंडेंट एंड डीएमएस केमिकल एंड मेटलर्जी असिस्टेंट अगेंस्ट ईयर नंबर 3/2018। यहाँ पे देख सकते हैं इंपॉर्टेंट डेट्स एंड टाइम। फर्स्ट स्टेज कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट यानी CBT 1, व्यूइंग ऑफ द एग्जाम सिटी एंड डेट इनिमिएशन एंड डाउनलोड ऑफ द ट्रेन ट्रेवल पास अथॉरिटी एंड SC/ST कैंडिडेट। दिस इज ओनली द मेक ट्रेवल अरेंजमेंट इन द ट्रेन इन इकोलेटर। यहाँ पर इसका लिंक बहुत ही जल्दी एक्टिवेट होने वाला है। लिंक विल बी पब्लिश्ड ऑफिशियली वेबसाइट शॉर्टली एंड कैंडिडेट विल बी इन्फॉर्म्ड थ्रू देयर रजिस्टर मोबाइल नंबर। जैसे इसका लिंक एक्टिवेट हो जाएगा, आपकी ईमेल आईडी और रजिस्टर मोबाइल नंबर पे मैसेज ऑटोमेटिक चला जाएगा। उसके बाद यहाँ पे ई कॉल लेटर के बारे में यहाँ पे देख सकते हैं। 4-day पीरियड टू द फर्स्ट स्टेज CBT डेट एंड मेंशनड एग्जाम सिटी एंड द डेट इनिमिएशन। तो आपका एडमिट कार्ड जो है एग्जाम के 4 दिन पहले आपको रिलीज किया जाएगा। और इसका मॉक टेस्ट यहाँ पे देख सकते हैं, मॉक टेस्ट लिंक जो है 12/5/2019 को एक्टिवेट हो जाएगा। तो आप जरूर मॉक लिंक एक्टिवेट होने के बाद मॉक टेस्ट लगा लीजिएगा। और यहाँ पे शेड्यूल फॉर द फर्स्ट CBT 1 22/5/2019 को लिया जाएगा, यानी कि इससे 4 दिन पहले यानी कि 18 तारीख को आपका एडमिट कार्ड रिलीज कर दिया जाएगा। तो ये थी दोस्तों इन्फॉर्मेशन। अगर आप लोग चैनल पर पहली बार आए हैं, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब करिएगा। और CBT 1 में कितने क्वेश्चन पूछे जाएंगे, कितने मार्क्स के और कितने ड्यूरेशन रहेगा, यहाँ पे देखिए सारा कुछ यहाँ पे दे दिया गया है। तो 90 मिनट का रहेगा, 120 फॉर एलिजिबल PWD कैंडिडेट एक्सेप्टेड, यानी कि 90 मिनट के जनरल कैंडिडेट के लिए और 120 मिनट PWD कैंडिडेट के लिए। नंबर ऑफ क्वेश्चन यहाँ पे देख सकते हैं 100 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और नेगेटिव मार्किंग 1/3 रहे, यानी कि 3 अगर आपका गलत रहता है तो 1 मार्क आपका यहाँ पे माइनस कर दिया जाएगा। तो ये थी कुछ इन्फॉर्मेशन दोस्तों, कैसी लगी अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा। और जो लोग नए हैं जरूर चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।